बच्चों आज हम सीखेंगे स्मॉल कर्सिव क्यू। क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, ठीक है। क्यू फॉर क्यू, क्यू यानी लाइन, है ना। तो शुरू करते हैं स्मॉल कर्सिव क्यू। और कर्सिव लिखने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम, स्लैंटेड अप, वेरी गुड। तो शुरू करें कर्सिव क्यू, तो सबसे पहले स्लैंटेड अप, फिर स्मॉल सी बनाएंगे और ब्लू लाइन से ब्लैंक स्टैंडिंग और यहाँ पे थोड़ा सा स्लैंटेड अप करेंगे यहाँ पे रेड लाइन पे, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल कर्सिव क्यू। फिर से स्लैंटेड अप, सी बनाया, ब्लू लाइन से रेड लाइन स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे स्लैंटेड अप, थोड़ा सा स्लैंटेड अप, स्मॉल कर्सिव क्यू, ठीक है। चलो फिर से स्लैंटेड अप, स्मॉल सी, ब्लू लाइन से रेड लाइन स्लैंटेड स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे स्लैंटेड अप, ठीक है। स्लैंटेड अप, सी क्यू, स्मॉल कर्सिव क्यू, दो ब्लू लाइन के अंदर स्लैंटेड अप, सी स्टैंडिंग ब्लू लाइन से रेड लाइन स्टैंडिंग लाइन और स्मॉल क्यू, ये हो गया स्मॉल कर्सिव क्यू। स्लैंटेड अप, स्मॉल सी बनाया, ब्लू लाइन से रेड लाइन स्टैंडिंग लाइन बनाई और यहाँ पे थोड़ा सा बनाएंगे स्लैंटेड अप, छोटा सा स्लैंटेड अप कर देंगे, हो गया स्मॉल कर्सिव क्यू। क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, स्लैंटेड अप, स्मॉल सी, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटेड अप, ब्लू लाइन, दो ब्लू लाइन के अंदर स्लैंटेड अप, स्मॉल सी, ब्लू लाइन से रेड लाइन स्टैंडिंग और स्लैंटेड अप, तो ये हुआ स्मॉल कर्सिव क्यू। दो ब्लू लाइन के अंदर स्लैंटेड अप, स्मॉल सी, अगर हाथ नहीं उठाना है तो यहां से ऊपर जाएंगे, उसी लाइन से वापस नीचे आएंगे और यहां बना देंगे स्लैंटेड अप। फिर से स्लैंटेड अप, सी ऊपर गए, वापस उसी लाइन से नीचे आए और ये हो गया स्मॉल कर्सिव क्यू। स्लैंटेड अप, स्मॉल सी, उसी लाइन से ऊपर गए और उसी लाइन से वापस नीचे आके स्लैंटेड अप, स्मॉल कर्सिव क्यू। लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो भले ही आप सीखते वक्त हाथ उठाओ, लेकिन जब सीख जाओ तो बिना हाथ उठाए आपको लिखना है। स्लैंटेड अप, स्मॉल सी, ब्लू लाइन से रेड लाइन स्टैंडिंग और स्लैंटेड अप, स्मॉल कर्सिव क्यू। स्लैंटेड अप, स्मॉल सी, अभी यहां से हम ऊपर जाएंगे, वापस उसी लाइन से नीचे आएंगे और स्लैंटेड अप बनाएंगे, स्मॉल कर्सिव क्यू। स्लैंटेड अप, स्मॉल सी, ऊपर गए, उसी लाइन से वापस नीचे आए और स्लैंटेड अप बना दिया, स्मॉल कर्सिव क्यू। क्यू फॉर क्वीन, वेरी गुड। स्लैंटेड अप, स्मॉल सी, अप डाउन, स्लैंटेड अप, स्मॉल कर्सिव क्यू, दो ब्लू लाइन के अंदर स्लैंटेड अप, स्मॉल सी ऊपर गए, उस लाइन से रेड लाइन तक नीचे आए और यहाँ पे बना दिया स्लैंटेड अप, तो ये हो गया स्मॉल कर्सिव क्यू। तो समझ में आया बच्चों कैसे करते हैं स्मॉल कर्सिव क्यू, पहले बनाएंगे स्लैंटेड अप, फिर स्मॉल सी, फिर ब्लू लाइन से रेड लाइन स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे थोड़ा सा स्लैंटेड अप कर देंगे या तो थोड़ा सा कर्व कर देंगे, तो ये हो गया स्मॉल कर्सिव क्यू। तो बच्चों अभी आपको क्या करना है, आपकी जो इंग्लिश की नोटबुक है उसमें चार बॉक्स बनाने हैं और स्मॉल कर्सिव क्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाय।